तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10.11 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये 10.11 क्या है? कन्वर्जन है, ठीक है ना? तो 10.11 एक्सरसाइज से है, चैप्टर 10। हेलो एल्केन एंड हेलो ऑल। तो हम लोग जो पहला क्वेश्चन जो कन्वर्जन करने जा रहे हैं वो इथेनॉल को ब्यूटेन वाई एन। इथेनॉल हमारे पास है, ये हो गया हमारा इथेनॉल, ठीक है? ये हमारा इथेनॉल है और इसको कन्वर्ट करना है ब्यूट वन वाई एन, है ना? दो तीन चार, ये वन वाई एन ही हो जाएगा, ये हो गया हमारा ब्यूट वन वाई एन, ठीक है? यानी दो कार्बन है, दो से चार कार्बन। तो ये तो अल्कोहल को अगर हम हैलाइड में कन्वर्ट कर दें, हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर दें, और फिर हम सोडियम से रिएक्शन कराएं ईथर के प्रेजेंस में, तो चार कार्बन हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है कि नहीं? गुर्ज रिएक्शन करा के। लेकिन यहाँ पर कार्बन को डबल करने के साथ साथ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी लाना है ना, ये समस्या। अगर हम बुर्ज रिएक्शन कराएंगे तो चार कार्बन तो मिल जाएगा, दो से चार कार्बन हो जाएगा, डबल कर देता है बुर्ज रिएक्शन, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, तो हमको दूसरा उपाय सोचना है कि ट्रिपल बॉन्ड भी चाहिए। तो हम लोग हेलो एल्केन तो बनाएंगे इससे, ठीक है, लेकिन हेलो एल्केन से रिएक्शन करवा देंगे सोडियम इथिमाइड, ठीक है ना? तो सोडियम सॉल्ट ऑफ इथिलीन, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथिलीन को करवा देंगे, ठीक है ना? सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइन जो होता है, ठीक है, तो उससे हम लोग रिएक्शन करवा देंगे, तो ये जो है बन जाएगा, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि कन्वर्ट करते हैं, इस OH को हम Cl से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारा रिएक्शन है, जैसे हम PCl3 से भी रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है, PCl5 से भी रिएक्शन करा सकते हैं, SOCl2 से रिएक्शन करा सकते हैं, या HCl से रिएक्शन करवा सकते हैं। ये सारा मेथड जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। तो इस तीनों में से कोई एक रिएजेंट यूज करेंगे तो OH ग्रुप जो है Cl से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है? ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़े हैं? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है? तो ये सब के सब जो है इसमें से कोई एक रिएजेंट यूज करेंगे, ये OH ग्रुप रिप्लेस होगा, ठीक है? अब हमको ये बनाना है, दो कार्बन भी बढ़ाना है और ये Cl को भी हटाना है। तो एक तो उपाय है वही कि हम बुर्ज रिएक्शन करा दें, फिर दो से चार कार्बन तो हो ही जाएगा, लेकिन तो सिंपल एल्केन बनेगा, अल्काइन तो बनेगा नहीं, हमको बनाना है अल्काइन। तो सोडियम इथिमाइड से रिएक्शन हम लोग करें, ठीक है? ये है हमारा सोडियम इथिमाइड, ठीक है? इसका हम लोग रिएक्शन पढ़ाए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिलीन में पढ़ाए थे, है ना? बताए थे कि इसमें एसिडिक बिहेवियर होता है एसिटिलीन का, और वो मेटल से रिएक्ट करके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बनाता है इथिनाइड का। तो सोडियम इथिनाइड हो गया, ये क्या हो गया? सोडियम इथिनाइड, ये इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम इथिन, ठीक है? सोडियम इथिनाइड से रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं। अब ये सोडियम इथिनाइड से रिएक्शन जो होगा क्या होगा, यहाँ से Cl- टूटेगा, यहाँ से Na+ निकलेगा, दोनों मिलकर यहाँ बना देगा NaCl, और ये जब टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये जब टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ इस पॉजिटिव पर, ये जो है आगे जुड़ जाएगा यहाँ, तो हमको मिल गया फाइनली जो चाहिए था वो कंपाउंड
मिल गया और दो ही स्टेप में बन गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये यहाँ से हो गया, ये बन गया, तैयार हो गया, ठीक है। चलिए, जहाँ से चलना था चले और पहुँचना था पहुँच गए। इस एरो को अब हटा देते हैं, वो अब बन गया हमारा, जो चाहिए था वो हमको मिल गया, ठीक है। ये कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, ओके। हमको करना क्या है, इथिन है, ब्रोमो इथिन में कन्वर्ट करना है, यानी ये हमारा इथिन हो गया। ये जो है इथिन है और इसको कन्वर्ट करना है ब्रोमो इथिन। ठीक है, तो हमको इथिन को ब्रोमो इथिन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट कर, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है इसलिए कार्बन को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। इसीलिए हम लोग दोनों का स्ट्रक्चर लिखे ताकि पता चल जाए क्या करना है। कार्बन का दोनों जगह दो कार्बन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन ना घटाना है ना बढ़ाना है, उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी खेल होगा हाइड्रोजन के साथ होगा। तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है, ब्रोमो इथीन बनाना है तो ब्रोमीन को तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग एक स्टेप दो स्टेप में कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमीन लिक्विड इसके साथ रिएक्शन कराएगा अनसेचुरेटेड CCl4 के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, डाई हेलाइड बन जाएगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ब्रोमीन लिक्विड का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं हम लोग, ब्रोमीन लिक्विड का यूज करेंगे, चेक कर देंगे तो क्या होगा, एडिशन हो जाएगा इसका और डिसिनल डाइहेलाइड्स हो गया। तो हम ब्रोमीन लिक्विड के साथ चेक करते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, तो दोनों जो है अगल बगल वाले कार्बन पर जुड़ जाता है, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस पर ये दोनों ही जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूट गया और दोनों पर जो है ब्रोमीन आ गया, ठीक है। तो डाय ब्रोमो बन गया, डाय विसिनल डायहेलाइड्स बन गया। अब हमको तो एक ही ब्रोमीन चाहिए ना, तो अब हम लोग क्या करा देंगे, बीटा एलिमिनेशन करा देंगे तो हो जाएगा। बीटा एलिमिनेशन कैसे कराते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा देंगे। एल्कोहलिक KOH का जब रिएक्शन होगा इसमें क्या होगा, अगर हम इसको अल्फा मानते हैं तो ये बीटा होगा, अगर इसको अल्फा मानते हैं तो ये बीटा होगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो अल्फा पोजीशन से जो है हाइड्रोजन को रिलीज कराना है, ठीक है। तो अगर हम इसको रिलीज कराते हैं, हमको बी आर चाहिए यहाँ पर, इस बी आर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे, तो ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, ये वाला टूटेगा, बी आर इधर से निकल जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर से ये निकल गया, इधर से ये निकल गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, देखिए बन गया कि नहीं। तो ये हुआ बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं बी हाइड्रोहैलोजिनेशन, है ना। बीटा एलिमिनेशन हो गया, या इसी को हम लोग बोलेंगे डी हाइड्रोजिनेशन, डी हाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है, डी हाइड्रोहैलोजिनेशन करा रहे हैं, जिसमें कि बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। हम इस ये अल्फा कार्बन हुआ तो ये बीटा कार्बन हुआ, तो बीटा से हाइड्रोजन रिलीज हो, तो बीटा हाइड्रोजन रिलीज हुआ और अल्फा से ब्रोमीन रिलीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन नजर आ रहा है, आ गया।
ये फॉर्मिंग नजर आ रहा है, ये एच उड़ गया, ये बी आर उड़ गया, तो वो सेम चीज आ गया कि सी एच टू सी एच बी आर, सी एच टू सी एच बी आर आ गया कि नहीं। ठीक है, तो हमारा जो है रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा कन्वर्जन। तो कन्वर्जन करने के लिए जो भी जी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, कितना भी रिएक्शंस पढ़े, वो सब हमारे दिमाग में रहेगा, सभी का आइडियाज रहेंगे, तो कन्वर्जन बन जाएगा आसानी से, क्योंकि कभी भी कहीं भी कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है। अगर सारे प्रॉपर्टीज ठीक है ना हमारे दिमाग में घूमते रहेगा, तभी हम कन्वर्जन आसानी से बना सकेंगे, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है ना, इसलिए सारे रिएक्शंस दिमाग में घूमना ज़रूरी है जब हम कन्वर्जन बनाते हैं। अब हमारा ये रिएक्शन है प्रोपीन, ये प्रोपीन, ये हो गया हमारा प्रोपीन। ये है प्रोपीन और इसको कन्वर्ट करना है 1 नाइट्रो प्रोपेन, 1 नाइट्रो प्रोपेन। तो हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड भी हटाना है और नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस भी करना है। ठीक है, डबल बॉन्ड हटाना होगा और नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना होगा। नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस जो हम आसानी से कर सकते हैं, अगर हमारे पास हेलो एल्केन हो जाए, नाइट्रो ग्रुप को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देंगे हेलोजन को, तो नाइट्रो ग्रुप तो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इसलिए उसके लिए कोई चिंता नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन सेम ही है। तो यहाँ पर एक तो डबल बॉन्ड को हटाना है, डबल बॉन्ड को कैसे हटाएंगे, तो कोई ना कोई एडिशन रिएक्शन होना चाहिए, तभी होगा। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, यानी एक ही हेलोजन हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो अच्छा रहेगा, दो हेलोजन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर एक हेलोजन इंट्रोड्यूस करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर देंगे और दूसरा क्या करेंगे, हेलोजन इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको हम लोग नाइट्रो ग्रुप से इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड स्टेप में होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एडिशन रिएक्शन, तभी तो डबल बॉन्ड जाएगा। और एक ही हेलोजन को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि एक ही नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, एडिशन रिएक्शन हम लोग करवा देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, एनो2 ग्रुप इधर इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर हम एच बी आर दे देंगे, ठीक है, एच बी आर दे देंगे क्योंकि हमको बी आर यहाँ लाना है, इस पर जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उस पर बी आर लाना है, इस पर एच लाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। नॉर्मली क्या होता है कि जब नॉर्मल एडिशन रिएक्शन होगा एच बी आर का, एच सी एल का, एच आई का, जनरल एच बी आर का ही एडिशन होता है, तो उस केस में मार्कोनिक ऑफ एडिशन अगर होगा तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा यहाँ है, ये यहाँ चला जाएगा, तो बी आर यहाँ आ जाएगा, लेकिन हमको तो बनाना है 1 नाइट्रो, बनाना कहाँ है 1 नाइट्रो, और यानी कार्बन नंबर 1 पर जब हेलोजन आएगा तभी ना 1 नाइट्रो हेलोजन आएगा, तभी ना हम नाइट्रो से रिप्लेस कर पाएंगे नाइट्रो ग्रुप से। तो कार्बन नंबर 1 पे हमको हेलोजन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो नॉर्मली कार्बन नंबर 2 पर हेलोजन इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमको कार्बन नंबर 1 पर हेलोजन को इंट्रोड्यूस करना है, तो हम लोगों को कराना है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। क्या करवाएंगे हम लोग, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे पेरोक्साइड, एच बी आर यूज करेंगे और साथ में पेरोक्साइड के रूप में कैटलिस्ट को यूज करेंगे, तब होगा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एंटी मार्कोनिक ऑफ में क्या होता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम रहेगा, मार्कोनिक ऑफ में क्या होता है हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा रहता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ उल्टा होगा, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर कम है इस कार्बन पर, इसलिए ये एच जाएगा यहाँ। ठीक है, ये एच कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा और बी
आर कहाँ जाएगा, इस पर जाएगा, इसलिए इस एच को हम लोग यहाँ भेजेंगे, तो ये बी आर को हम लोग यहाँ भेजेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का एच कहाँ भेजना है, यहाँ पर एक एच पहले से है ही, दूसरा एच ये उठ जाएगा और यहाँ पर टूट जाएगा, ठीक है। और ये तो हाइड्रोजन है ही, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये बी आर आके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ब्रोमो प्रोपेन बन गया। अब ये क्या बन गया, ब्रोमो प्रोपेन। अब इससे जो है नाइट्रो प्रोपेन बना सकते हैं, वन ब्रोमो प्रोपेन बनाइए, वन ब्रोमो प्रोपेन बना, अब हमको वन नाइट्रो प्रोपेन बनाना है। कैसे बनेगा, इससे आराम बनेगा, हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से इसका रिएक्शन करा देंगे, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल हट जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और यहाँ पर AgBr निकल जाएगा, AgBr बाहर आ जाएगा और NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा और इसके जगह पर ये NO2 ग्रुप आएगा, ठीक है, क्लियर। ये सारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताया जा चुका है, क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट जो कन्वर्जन करने जा रहे हैं, उसमें कह रहा है कि टॉलविन को आप एल्जाइल एल्कोहल में कन्वर्ट कीजिए, पहले टॉलविन तो बनाने हैं। ठीक है, तो टॉलविन में क्या रहता है, बेंजीन रिंग में CH3 ग्रुप जब जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग टॉलविन, ठीक है, ये हो गया हमारा टॉलुइन, और ये जो टॉलुइन है ना, इसको हम लोग बेंजाइल एल्कोहल में बनाना है, ठीक है, बेंजाइल एल्कोहल क्या होगा, CH2OH, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, साइड चेन में डिस्टरबेंस है, साइड चेन से ही रिएक्शन हो रहा है, बेंजीन रिंग से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हेलो एल्केन से, तो पहले हेलो एल्केन बनाना पड़ेगा हमको, तभी तो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा ना, तो हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाएंगे, तो पहले तो हेलो एल्केन भी नहीं है यहाँ पर, हेलो एल्केन में इंट्रोड्यूस, हेलो एल्केन को इंट्रोड्यूस करना होगा। अब तो ऐसा रिएजेंट लेना होगा जो सिर्फ इसके साइड चेन से रिएक्ट करे, क्योंकि मेन ये जो है मेन चेन बेंजीन, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, सिर्फ साइड चेन से, यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर से जो रिएक्शन करता है सिर्फ उसी रिएजेंट का यूज करेंगे। ऐसा रिएजेंट कौन सा है, ऐसा है क्लोरीन को हम पास कराएंगे, स्कॉर्चिंग सनलाइट में हम क्लोरीन से रिएक्शन करा देंगे, इसका अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में करवा देंगे, हाई हीट एनर्जी के प्रेजेंस में करवा देंगे, ठीक है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन होगा और वो हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है, फ्रॉम एल्केन, इस चीज़ को पढ़ोगे तब ये समझ में आएगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को पास करेंगे हाई हीट एनर्जी और अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में, तो ये इसके बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक नहीं करेगा, सिर्फ ये साइड चेन, ये ओपन चेन पे रिस्ट्रैक्ट करता है। क्लोरीन को जब हम लोग स्कॉचिंग सनलाइट में या अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में क्लोरीन गैस से रिएक्शन करेंगे, ये साइड चेन और ही सब्स्टिट्यूशन करेगा, ठीक है। हम इधर का दिखा रहे हैं, तो क्वेश्चन है तो हम लोग इधर दिखाएंगे, ठीक है। क्लोरीन को हम लोग अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में पास कराएंगे तो साइड चेन में जो है हैलोजनेशन हो जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा CH2Cl, एक क्लोरीन इंट्रोड्यूस।
रिलीज हो जाएगा और एक्सियल बन के निकल जाएगा, ठीक है। तो साइड चेन में हो गया इंट्रोड्यूस। अब यहाँ से हम इसको करवा सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं। बहुत सारा रिएक्शन है, एक्वास KOH से रिएक्शन करवा एक्वास क्या एल्कोहलिक में एक्वास KOH देंगे, एल्कोहलिक देंगे बीटा एलिमिनेशन होगा। तो हम लोग एक्वास KOH देंगे तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, ठीक है। यानी Cl- को हटा देगा और KOH- को इंट्रोड्यूस करेगा, ये K+ और ये Cl-, ठीक है। ये निकलेगा यहाँ से, ये K निकलेगा, दोनों बना दिया KCl और ये OH आ जाएगा यहाँ। तो इस तरीके से ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल मिल गया, ठीक है। जब भी बनाएंगे पहले स्ट्रक्चर लिख लेंगे तो बनाना आसान है, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ओके okay.